हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं डक्टेबल एसी है या नॉर्मल कोई सा भी एसी हो सकता रहेगा, कंप्रेसर का पंपिंग चेक करने के बारे में। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, यहाँ पर हमने गेज लगाया है। सक्शन और डिस्चार्ज दोनों, हमारा गेज फुल हो रहा है, फुल शो कर रहा है, यानी कि सक्शन लाइन का डिस्चार्ज लाइन हमने भी नहीं लगाया है। कंप्रेसर भी देख सकते हैं, हमारा कंप्रेसर भी ऑन है, फैन मीटर भी चल रहा है, तभी हमारा गेज शो नहीं कर रहा, दोनों इक्वल रहता है। तो कैसे आयरनिंग करेंगे, हमारा कंप्रेसर खराब है या अदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो में ये सब के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके हेल्प पे जरूर रहेगा। हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्प जरूर होगा। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे, ये हमारा एसी है। कभी भी हमारा पंपिंग चेक करने के लिए एसी में हमें गेज लगना चाहिए। जैसे कि हमारे पास मैनिफोल्ड गेज है, इसमें हम दोनों में लगाएंगे, सक्शन और डिस्चार्ज में गेज लगाएंगे, जिससे हमें प्रॉपर आइडेंटिटी कर सकेंगे जिसमें गैस है कितना शो कर रहा है। ज़्यादातर हमारा एसी नॉर्मल अगर चल रहा है, अगर कंप्रेसर सही है वर्क कर रहा है, तो उसमें हम इसी सक्शन और डिस्चार्ज जो पाइप रहता है उसको हम पकड़ के फील कर सकते हैं। जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है वो हाई रहता है, सक्शन लो रहता है, यानी डिस्चार्ज पाइप जो गर्म भी रहेगा और सक्शन ठंडा रहता है। तो कभी अगर हमारा पंपिंग अगर फेल रहता है तो उसमें नॉर्मली बेसिक चीज़ बेसिक हमारा मालूम चलता है, हल्का ठंडा रहता है। कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए हम यहाँ पे मीटर लगाएंगे, गेज लगाए हैं, तो देख सकते हैं सक्शन डिस्चार्ज में दोनों लगाया हुआ है। डिस्चार्ज प्रेशर देख सकते रहेंगे, इसमें 175 के नियर में शो कर रहा है और सक्शन प्रेशर जो हमारा 100 के नियर में शो कर रहा है। 100 यानी कि इस तरह से देख सकते हैं, लमसम में इक्वल शो कर रहा है। इस तरह से कभी इस तरह से हमारा इतना नहीं शो करना चाहिए। हमारा 5.5 टन का एसी है, डक्टेबल एसी है, इतना नहीं शो करना चाहिए। 822 गैस है नॉर्मल, और साथ में इसको जो हम एम्पियर वगैरह भी चेक करेंगे। अगर लोड हमारा कंप्रेसर पर लोड नहीं रहेगा तो एम्पियर भी हमारा ज़्यादा नहीं लेगा। ये कंप्रेसर जो हमारा 4.5 टन का, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है और एम्पियर देख सकते हैं, इसमें 8.5, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर के नियर में रहता है। 3 फेज का सिस्टम है, एम्पियर भी देख सकते रहेंगे, 4 है, 5 है, 6 इस तरह से ले रहा है। इसका मतलब इसमें लोड नहीं ले रहा है कंप्रेसर। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिटी कर सकते रहेंगे, कंप्रेसर का पंपिंग लेस है और ये गेज लगा कर भी इस तरह से श्योर कर सकते रहेंगे। गेज में भी आप देख सकते हैं, इसमें पंपिंग सक्शन डिस्चार्ज दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इस तरह से नहीं शो करना चाहिए। 822 गैस है तो सक्शन प्रेशर जो रहता है हमारा 60 रहेगा, डिस्चार्ज में रहेगा 260 रहेगा, इसमें इस तरह से नहीं शो कर रहा है। बाकी जो है एम्बियंट टेम्परेचर के हिसाब से लो हाई हो सकता रहेगा, और पाइप को भी इस तरह से पकड़ के फिल कर सकते रहेंगे। देख सकते हैं हमारा सक्शन जो पाइप रहता है वो ज़्यादा चिल नहीं है, और डिस्चार्ज प्रेशर जो डिस्चार्ज पाइप है वो भी आपका अगर कंप्रेसर पंपिंग सही रहेगा तो उसको आप 10-15 सेकेंड से ज़्यादा आप डिस्चार्ज पाइप नहीं पकड़ सकते हैं हाथ से। इस तरह से भी आप प्रॉपर बिना गेज के भी चेक कर सकते रहेंगे, जैसा कि हमने पहले चेक किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा रनिंग करेगा तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर जो है, डिस्चार्ज सक्शन पाइप रहता है वहाँ पर स्वीटिंग जमेगा, ठंडा फील हो, ठंडा आएगा, पाइप रिटर्न आएगा, तो वो भी नहीं हो रहा है। यानी कि इस तरह से 3-4 मेथड से आप कंप्रेसर को आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे, इसका पंपिंग लेस है कन्फर्म, जैसा कि हम इसमें आप लोगों को एक एक चेक करके बता रहे हैं। अगर आपको इसके बाद अगर कंप्रेसर पंपिंग लेस रहेगा तो इसको हम खोल करके रिपेयर करा सकते रहेंगे, या तो इसको बाइंडिंग या तो इसको हम दूसरा रिपेयर न्यू हम इसमें रिप्लेस कर सकते रहेंगे। दो तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते रहेंगे। तो किस तरह से कंप्रेसर को चेंज करते हैं इसका हमारा दूसरा प्रैक्टिकली वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा दूसरा वीडियो आप देख सकते रहें, किस तरह से हम कंप्रेसर चेंज करते हैं 3 फेज का। अगर ये वीडियो में आपको कुछ जानने सीखने को मिला, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हमने कहा था आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। बहुत से कस्टमर जो है हमें डायरेक्ट कॉल पर बुलाते हैं, कॉल देते हैं, बुलाते हैं हमें ऐसी कुछ भी एग्जाम्पल रिपेयर करने के लिए। तो हमने आइडिया निकाला है, आपके एरिया से अगर कोई हमें कॉल देगा तो हम आपको कॉल दे देंगे। जैसे आप यूपी, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो हमें कमेंट में डाल दीजिए। जैसे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर हमें अगर कॉल देगा तो आपका कांटेक्ट नंबर कस्टमर को दे देंगे या कस्टमर का कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको इस तरह से ऑनलाइन आपको काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है, आइडिया अच्छा लगा है तो हमारे चैनल
लाइक कर सकते हैं या तो डिसलाइक कर सकते हैं। और भी इस तरह से हमारे पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन कर दें, जिससे कोई भी इस तरह से हम वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।